ईरान में यूक्रेन का विमान क्रैश, 180 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में हत्या का कोई सबूत नहीं। अमेरिका ईरान के तनाव के बीच ईरानी राजदूत का बयान। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का विरोध। मोदी कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसलों पर लगी मुहर। पहली बड़ी खबर ईरान से आई है, जहां राजधानी तेहरान में बड़ा विमान हादसा हो गया है। तेहरान में यूक्रेन का बोइंग 737 विमान क्रैश हो गया। इस विमान हादसे में सवार 180 यात्रियों की मौत हो गई। घटना तेहरान एयरपोर्ट के इमाम खुमेनी हवाई अड्डे के पास घटी। घटना को लेकर ईरानी मीडिया ने तकनीकी कारण बताया है। देश की दूसरी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आई, जहां सीबीआई ने मुजफ्फरपुर के चर्चित शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दावा किया। सीबीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में बच्चों की हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। जांच एजेंसी ने बताया कि दो कंकाल बरामद हुए थे, लेकिन बाद में फॉरेंसिक जांच में पता चला कि ये कंकाल एक महिला और एक पुरुष के थे। तीसरी बड़ी खबर अमेरिका ईरान के टकराव को लेकर है, जहां भारत में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने कहा कि अमेरिका के साथ तनाव कम करने की दिशा में अगर भारत की ओर से कदम उठाया जाता है तो ईरान उसका स्वागत करेगा। हालांकि भारत के अमेरिका और ईरान से बेहतर रिश्ते हैं, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर किया जा सकता है। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। नीलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने कोल माइनिंग में कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए MMDR एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया गया है।